नमस्कार, वेलकम टू शिवप्रिया रेसिपीज। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही टेस्टी डिश बनाकर लाई हूँ, जिसका नाम है लौकी के कोफ्ते। इट्स वेरी ओल्ड इंडियन एंड मुगलाई डिश, सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट लेट्स कम इन माय किचन। लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए मैंने एक मीडियम साइज की लौकी को अच्छे से धो के पील कर लिया और इस तरीके से इसे कद्दूकस कर लिया है। और मैंने ये 1.5 कप बेसन लिया है, जिसको मैंने अच्छे से छान करके और रोस्ट कर लिया है। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, जिसे मैंने रफली चॉप किया है। 2 टमाटर लिए हैं, उसे भी रफली चॉप किया है। और मसालों में ये 3-4-5 लहसुन की कलियां हैं, अदरक 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, 4 हरी मिर्च ली हैं, और ये 1 कप काजू है, जिसे मैंने पानी में भिगो दिया है। सूखे मसाले में ये धनिया ली है, जीरा, बड़ी वाली काली मिर्च, तेज पत्ता, 2 इंच सिनेमन स्टिक, और ये मैंने हींग ली है। तो ग्रेवी बनाने के लिए हम अपने ये सारे मसाले इस जार में डाल देते हैं। ये प्याज, टमाटर हम अभी नहीं डालेंगे, टमाटर और काजू को एक साथ अलग से पीसेंगे। ये मसाला हमारा पीस के तैयार हो गया है। अब हम फटाफट से लौकी के कोफ्ते बनाते हैं। ये लौकी को हम एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे इस तरीके से। अब इसमें हम डालते हैं थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, हींग, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो नमक की वजह से लौकी अपने आप पानी छोड़ना शुरू कर देगी। ये देखिए, इसमें नमक डाला हमने और इसका पानी इस तरीके से निकलने लगा। लेकिन ये पानी हम फेंकेंगे नहीं, इसमें हम अब धीरे धीरे करके अपना ये जो हमने बेसन था, जिसे हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया था, थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे और इसको एक डो जैसा बनाएंगे। पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, ये हमारा इस तरीके से डो बनेगा। लेकिन ये थोड़ा गीला है, तो हम इसमें थोड़ा अपना बेसन और डालेंगे और ये 1 चम्मच जो हमने ग्रेवी का मसाला पीसा था ना, 1 चम्मच डालते हैं। इससे इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल जैसे शादियों में सब्जियां बनती है ना, उस तरीके से इसका टेस्ट आएगा। थोड़ा थोड़ा करके ऐसे एक अच्छा डो तैयार कर लेते। ये हमारा आटा बनके तैयार हो गया है। अब हम एक छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और इस तरीके से इनके कोफ्ते का शेप देते हुए ऐसे छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। इस तरीके से ये हमारे सारे छोटे छोटे बॉल्स बन के तैयार हो गए। अब इसे एक दूसरी प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं। कढ़ाई गर्म कर लेते हैं, तेल इसमें है तो 2 मिनट तक इसको अच्छे से गर्म कर लेते हैं। ये तेल हमारा अच्छा गर्म हो गया है, भाप भी आने लगी है। अब हम इसमें धीरे धीरे करके अपने ये लौकी के कोफ्ते डाल देते हैं। बस इसकी कढ़ाई की एकदम तली से लगाते हुए ना हमें अपने ये कोफ्ते चलाने हैं। अगर हम बीच से डालेंगे तो हमारे कोफ्ते फट जाएंगे। इस तरीके से
कोफ्ते हमारे बहुत अच्छे से सीख गए हैं, गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। अब हम इसको खाली कर देते हैं। मैं हमेशा एक दूसरी करछली इसलिए यूज़ करती हूँ कि जितना भी एक्सेस ऑयल है सब इसमें ही आ जाए। इस तरीके से ये देखिए सारा एक्सेस ऑयल इसमें आ जाएगा। अब इसको एक दूसरी डिश में खाली कर लेते हैं और बाकी के कोफ्तों को भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये हमारे सारे कोफ्ते बनके तैयार हो गए और इसी तेल में हम अपनी बाकी की सब्जी बनाएंगे। तो कढ़ाई में तेल ज्यादा है तो हम एक चिमचे की हेल्प से इसको कम कर लेते हैं, क्योंकि इतना तेल हमको सब्जी बनाने के लिए नहीं लगेगा। तो बस हम थोड़ा सा तेल कढ़ाई में रहने देंगे और ये बहुत ध्यान से निकालेंगे, क्योंकि तेल बहुत गर्म है। अगर इसका टेम्परेचर ले तो 100 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होगा, जो कि बहुत बुरी तरीके से हमें जला देगा। इसलिए बहुत ध्यान से तेल ऐसे निकाल लेंगे। इतने तेल में हम अपनी सब्जी बनाएंगे। तेल को बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसमें हम डालते हैं वो जो हमने अपनी मसाला बनाया था। इससे इसकी खुशबू नहीं जाती है, ये छौंक ना सब्जी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। 2 मिनट बाद ढक्कन हटाते हैं, मसाले को भून लेंगे। गैस हम अपनी मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे। अब हम इसमें हल्दी और ये नमक थोड़ा सा, क्योंकि नमक हमने अपने कोफ्ते में भी डाला है तो इसमें बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। और इसको एक बार फिर से चलाते हुए ढक देते हैं और तब तक हम अपना टमाटर और काजू पीस लेते हैं। काजू, टमाटर, ग्रेवी तैयार है। इसका कलर देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। अब ग्रेवी चेक कर लेते हैं एक बार। ग्रेवी बहुत अच्छे से भून चुकी है, थोड़ा सा और भून लेते हैं। अब हम इसमें अपनी टमाटर और काजू की ग्रेवी डालेंगे। अच्छे से इसको चलाएंगे और 5 मिनट के लिए ढक के पकने देते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। अब ये मसाला ना थोड़ा सा नीचे से चिपकने लगा है, तो गैस हम एकदम स्लो कर देंगे और इसको थोड़ी देर और ढक करके पकाएंगे। अब हम मसाला अपना देख लेते हैं। ये देखिए ग्रेवी एकदम भुनकर तैयार हो गई है, किनारे किनारे ऐसा तेल आने लगा है, इसका मतलब हमारी ग्रेवी भुन गई है। अब इसको भी हम फ्लेम मीडियम करते हैं और इसको 2 मिनट ऐसे चलाते हुए अच्छे से भूनते हैं। 2 मिनट हो गए हैं, मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे, करीब 2 कप पानी डालेंगे इसमें। हमने अराउंड 1.5-2 कप पानी डाला है। अब इसे बॉयल होने देते हैं। ग्रेवी में बहुत अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम इसमें धीरे धीरे करके अपने कोफ्ते डाल देंगे। अब इसको 2 मिनट तक अच्छे से बॉयल होने देंगे, जिसमें कोफ्ते के अंदर सारे मसाले अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं। 2 मिनट हो गए हैं, सब्जी हमारी बनके एकदम तैयार हो गई है।
अब इसमें मैं आपको अपनी सासू माँ का सीक्रेट बताती हूँ, सिर्फ एक चुटकी ही इसमें मिला देते हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। ये हमारी कोफ्ते की सब्जी गर्मा गर्म बन के तैयार हो गई है। दिख तो बहुत ही अच्छी रही है और मुझे उम्मीद है उसका टेस्ट भी उतना ही अच्छा होगा। हरे धनिये से इसकी गार्निशिंग करेंगे। ये कोफ्ते की सब्जी आप चावल के साथ, रोटी के साथ खाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत जल्दी आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी में।